नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IMS JVV। आज हम आपको IMS JVV का टूर कराने वाले हैं और कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और इनका कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है, इस वीडियो हम सारी बात करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आज हम मिलाने वाले हैं हमारे मित्र यश भाई से, जो कि हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, फुल टाइम MBA कर रहे हैं यहाँ से। इसका भी सेकंड टाइम कंप्लीट हुआ है। और यश भाई, आप बताएं, आपको कैसा लगा सर IMS? मैं आ गया IMS, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत डिसिप्लिन है, डेकोरम अच्छा है और प्लेसमेंट अच्छा है। पूरे इंदौर में IIM के अलावा बहुत सारी कंपनियाँ भी आती हैं और IMS का बहुत नाम है, तो बहुत उम्मीदें हैं इस कॉलेज से। बहुत प्लेसमेंट भी आते हैं और अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं। बेसिकली मैं MBA फाइनेंस में कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है डेलॉइट, अलायंट एंड HDFC, तो इन सब में और RCCM है, तो वो किस्मत है लोगों की जो ले जाए। तो बच्चे किस्मत पूजा के ही आते हैं जो RCCM ले जाती है, दो बच्चे वो ले जाती हैं बेसिकली। और डेलॉइट है जो कंपनी है, वो सर अच्छे हो जाती है और इतनी सारी कंपनी है ओवरऑल देख सकते हैं। और बजाज, फाइनानसन, बहुत सारी कंपनियाँ हैं यश टेक्नोलॉजी इंदौर में। तो बेस्ट ओवरऑल मैं व्यू देना चाहता हूँ, स्केल में 1 to 10 दूँ तो समथिंग 9 आई वुड लाइक टू शेयर, एंड दैट्स ऑल अबाउट माई। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इंट्रोडक्शन। ले जाने वाले हैं आपको IMS की लाइब्रेरी, जहाँ पर आपको ढेर सारी किताबें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। अब हमने देख लिया लाइब्रेरी, अब हम आपको ले चलते हैं कि यहाँ का कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। जो एक MBA में जो 2 साल का कोर्स किया जाता है, वो एक फुल टाइम MBA जो होता है, जिसका एडमिशन जो है CMET के द्वारा होता है। फुल टाइम का फ़ायदा आपको ये रहता है कि आपको जो है थर्ड सेम में आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का मौका मिल जाता है। वहीं आप CUET से जो एडमिशन लेते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिलता है FMA, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई-कॉमर्स। और बाकी जो UG की बात करें अपन, तो UG में जो आपको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वो सिर्फ 2 कोर्सेज ही ऑफर किए जाते हैं, वो है एक ई-कॉमर्स और एक है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। MBA एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपको जो है थोड़ा बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको जो है MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 प्रोग्राम और भी हैं, MPhil और PhD हैं, जिसके लिए आपको DET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और चाहे आपने नेट एग्ज़ाम दिया हो, फिर भी आपको DET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जाके आपको यहाँ पर एडमिशन PhD या MPhil के लिए मिलता है। अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बहुत समय से कॉलेज नहीं आया, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा अटेंडेंस हो जाए। मेरा अटेंडेंस हो चुका है। चलो, फ्लोर की जो रूम्स हैं वो बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ की क्लासेस वगैरह। यहाँ पर कुछ क्लब्स वगैरह भी हैं, एक मेडिटेशन क्लब, ध्यान कक्ष, ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन है और इसको इसका नाम कौटिल्य है, कौटिल्य सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मैनेजमेंट। और ये देख सकते हैं इसको, ये सेक्शन बंद है क्योंकि अभी सही बच्चों की जो है वाइवा वगैरह भी हो चुके हैं और अभी कॉलेजेस बंद है क्योंकि सबके एग्जाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं ऊपर और चलते हैं। और ये हम आ गए हैं सबसे ऊपर, और अब हम बताने वाले हैं कि हम किस क्लास में बैठते हैं, यहाँ की क्लास कैसी दिखती है।
और ये हमारी क्लास है जिसमें हम बैठा करते थे, क्लास नंबर 23। आइए देखते हैं कैसी क्लास है। मैं मोस्ट ऑफ द यहाँ बैठा था या फिर इधर पीछे है। क्लासेस चलते हैं तो आप यहाँ से एंट्रेंस होते हैं, और यदि आप लेट हो जाते हैं क्लास में तो आपको पीछे का दरवाज़ा दिख रहा है, वहाँ से आपको एंट्री मिलती है, यहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। एक यहाँ की बहुत अच्छी प्रथा है और सेरेमनी बोल सकते हैं आप उसे, ये है कि जिन लोगों का ये प्लेसमेंट हो जाता है उन सबको इस कुंड में पानी भरा जाता है और इस कुंड के अंदर नहलाया जाता है। तो ये यहाँ की काफ़ी यूनिक चीज़ है जो कि हर जगह कहीं कहीं नहीं होती है। और आइए देखते हैं कुछ फोटो। और एक और ये सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर जिन लोगों का भी कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है और उसके वीडियो देखिए। ये देखिए, ये डेलोइट, इस बार डेलोइट का, ये हमारे सुपर सीनियर्स का है। डेलोइट जो है कम से कम 50 लोगों को ले गई है अलग अलग स्ट्रीम से, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग से ले गई है डेलोइट।